खबर बिहार के पश्चिम चंपारण से है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ व लौकरिया पुलिस ने बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र से दो हथियार के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी बगहा एसपी सह बेतिया के प्रभारी एसपी किरण कुमार गोरख जाधव ने दी है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हथियार तस्करों के द्वारा हथियार की खरीद बिक्री की जाने वाली है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसपी बगहा के द्वारा डीएसपी एसटीएफ व एसटीएफ लौकरिया तथा जिला बल क्वाटी टीम का गठन कर बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर में छापेमारी की गई, जिसमें दो हथियार तस्करों को दो देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, दो मोबाइल व एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। कल शाम में एएसपी ऑफिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार तस्करों के संबंध में हथियार तस्कर जो है कुछ आर्म्स का लेन देन करने के लिए कुछ है इनपुट, तो उसी पर एक टीम बनाया गया। तो ये लोग जाके बेतिया मुफस्सिल थाना अंतर्गत इनको जब ये हुआ तब इन्होंने दो लोगों को अरेस्टिंग किया है जिनका नाम राम प्रवेश कुमार। इसके विरुद्ध सुगोली में एक कांड है और बंजरिया में एक कांड दर्ज है मुंगियारी अंतर्गत, और जो दूसरा अरेस्ट हुआ है संदीप कुमार, ये थाना सुगोली जिला पूर्वी चंपारण का रहने वाला। इस ऑपरेशन में एएसपी ऑप्स, एसटीएफ लौकरिया, जिला बल का क्यूआरटी और बेतिया मुफस्सिल थाना जो है उन्होंने साथ दिया है। ये दोनों ने मिल करके मुफस्सिल थाना बेतिया में कार्रवाई करके दो लोगों को अरेस्टिंग किया है, जिसमें दो देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, दो मोबाइल और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। इस संदर्भ में बेतिया मुफस्सिल थाना कांड /22 दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सर्स न्यूज, बेतिया बिहार।